यस तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल जो प्रॉपर्टीज थी उसमें रिएक्टिविटी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी थी और रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स भी डिस्कस हो चुका था। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट शेडिंग हमारी होगी रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम हेलोजन के बारे में बेटा डिस्कशन कर रहे हैं, तो हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है मेटल्स के साथ किस तरीके से होती है, नॉन मेटल्स के साथ किस तरीके से है ना, उसी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं फ्लोरीन को लेके। ठीक है, तो लगभग जितनी भी आपकी 99% जो हमारी मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारी के सारी बच्चों फ्लोरीन के साथ, ठीक है, इजीली रिएक्शन परफॉर्म करती हैं, चाहे कंडीशन आपकी कोल्ड हो या फिर आपकी कंडीशन हीट हो। ठीक है, हीटिंग कंडीशन हो या फिर कोल्ड कंडीशन हो, सारी के सारी मेटल्स लगभग बेटा फ्लोरीन से बहुत ही अच्छे से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और बेटा फॉर्म करते हैं मेटल के फ्लोराइड, फॉर्म करते हैं वो मेटल के फ्लोराइड आपके फॉर्म हो जाएंगे। ठीक, कौन कौन से नहीं करते हैं इवन डिस्कस करूंगा, लेकिन लगभग जनरली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके लगभग 95% केस में सारे सारी मेटल्स रिएक्शन परफॉर्म करती हैं और मेटल फ्लोराइड वगैरह बना लेंगे। ठीक, अच्छा इसके बाद बात करते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन भी कंबाइन करता है बेटा आपके मैक्सिमम 90% मेटल्स के साथ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन जुड़ी है कि जो रिएक्टिविटी होगी बेटा क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होगी मेटल के साथ, ठीक है, नो डाउट यहाँ भी आपका मेटल का क्लोराइड बनेगा ना, मेटल का क्लोराइड सॉल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्लोरीन यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म कर रहा था मेटल के साथ और यहाँ बच्चों क्लोरीन, तो दोनों में से रिएक्टिविटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो बेटा फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, ये आपको रिएक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट में करूंगा। तो फ्लोरीन रिएक्टिविटी क्या होती है, क्लोरीन से अधिक होती है जब वो मेटल के साथ कंबाइन करता है। क्लियर, इसके बाद बच्चों आएगा ब्रोमीन और आपका आयोडीन। ब्रोमीन और आयोडीन ये जनरली रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं मेटल्स के साथ, लेकिन अगर बच्चों इनको हीट कर दिया जाए, ठीक है, इनको हाई टेम्परेचर सप्लाई कर दिया जाए तो उस केस में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल सकता है मेटल का ब्रोमाइड और मेटल का आयोडाइड। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रोमीन आयोडीन जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स का मतलब बच्चों एस ब्लॉक, जो हमारी जो एस ब्लॉक की मेटल्स हैं वो आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे एस ब्लॉक के मेटल्स बेटा हाई टेम्परेचर रिएक्शन परफॉर्म करते हैं विद ब्रोमीन एंड आयोडीन। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन एक पूछा, एक क्वेश्चन आया भी है जिसके ऊपर बेटा मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आपको मेटल्स, एक तो गोल्ड हो गया, नेक्स्ट आपका प्लेटिनम हो गया और कुछ जो आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स का मतलब जो आपके हाइड्रोजन से नीचे आते हैं लगभग, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। ठीक है, तो आपके ये जो गोल्ड है और जो आपका प्लेटिनम है इनके बारे में फोकस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ गोल्ड और प्लेटिनम इवन हीट करने के साथ, अगर हीट भी करोगे ना तो भी ब्रोमीन और आयोडीन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा गोल्ड और प्लेटिनम के साथ। लेकिन बच्चों क्लोरीन और फ्लोरीन वो रिएक्शन कर सकते हैं गोल्ड और प्लेटिनम के साथ, बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं वो भी स्पेसिफाइड कंपाउंड होते हैं, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट बिल्कुल भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं करने वाला है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बोला है, सभी को समझ में आ गया। ये तो मेटल की कहानी हुई, अब रिएक्शन बताऊंगा क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट, मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले इसकी थ्योरी को हम समझते हैं क्योंकि क्योंकि थ्योरी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो आप स्टेटमेंट में सही स्टेटमेंट पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल्स की तरफ, प्लीज ध्यान देना, नॉन मेटल्स, मेटल्स के तो मैंने आपको केसेस बता दिए, अब नॉन मेटल्स की कहानी क्या है। तो नॉन मेटल्स के साथ बच्चों आपका जैसे नॉन मेटल्स में इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स जनरली आती हैं, जैसे आपका सल्फर आता है, जैसे आपका फॉस्फोरस, ठीक है, इस तरीके से आर्सेनिक। ठीक है, तो जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स के साथ हेलोजन बच्चों इजिली रिएक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन
रिएक्टिविटी सीक्वेंस के बारे में बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन टॉप टू बॉटम आने पे इसकी जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो करती है डिक्रीज। अगर आप रिएक्शन कराना चाह रहे हो बच्चों नॉन मेटल्स के साथ तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इसकी क्या होती है बच्चों डिक्रीज होती है। अगर आप मूव कर रहे हो फ्लोरीन से क्लोरीन देन ब्रोमीन आयोडीन आयोडीन जनरली रिएक्शन आपका परफॉर्म करता नहीं है। जिसके मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि ब्रोमीन आयोडीन तो बहुत कम कंपाउंड्स के साथ आपके जो नॉन मेटलिक जो एलिमेंट्स हैं उसके पीछे रीजन है कि जो ब्रोमीन आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग बच्चों क्या होता है बाकी नॉन मेटल के साथ लगभग आपकी बराबर होने बिल्कुल इक्वल आ जाती है। तो इक्वल आने के चक्कर में रिएक्टिविटी परफॉर्म करते ही नहीं है, बहुत ही लेस अमाउंट रिएक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अगर हीट वगैरह मिल जाए तो ये कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन बच्चों इजीली रिएक्शन को परफॉर्म करता है विद दी नॉन मेटल्स। तो मैं बताना चाहूँ कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है क्लोरीन से, तो इसलिए बड़े कंपाउंड होता है सल्फर का SF6। सल्फर का ये जो कंपाउंड SF6 कभी आपने ये नहीं सुना होगा HCl6। HCl6 इज अनस्टेबल, HCl6 अनस्टेबल होता है, HCl6 नहीं बनेगा। मेरी बात समझो बेटा, यहाँ से HCl6 ही बनेगा, HCl4 ये स्टेबल होता है, HCl4 इज स्टेबल। और अगर मैं सल्फर के साथ फ्लोरीन कंबाइन कराना चाहूँ तो बेटा फ्लोरीन आपके स्मॉल साइज का है, सल्फर भी आपके स्मॉल साइज का है, लेकिन सल्फर के पास बच्चों बिकेंडी ऑर्बिटल्स हैं तो सल्फर 6 फ्लोरीन को होल्ड कर सकता है। जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई है तो यहाँ से आपका जो सल्फर है वो SF6 का फॉर्मेशन कर सकता है, और जो आपका क्लोरीन है उसके साथ बच्चों सल्फर आएगा तो HCl4 आपको मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिकॉज ऑफ फ्लोरीन हाई रिएक्टिविटी नेचर यहाँ पे SF6 बन चुका है, ठीक है। बाकी आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर? HCl4 और SF6 दोनों क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ ब्रोमीन के साथ भी, अगर सल्फर के साथ बच्चों ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमीन की जो रिएक्शन होगी वो बेटा क्या करेगा, ब्रोमीन आपका SBr2 एक ये कंपाउंड है। अगर मैं बोलना चाहूँ कि सल्फर क्या आपका SBr4 बना सकता है तो आंसर होगा गलत, बनाएगा बट अनस्टेबल है। क्या सल्फर कभी आपका SBr6 बना सकता है? बिल्कुल आंसर इनकरेक्ट। क्यों? उसके पीछे रीजन है बच्चों, सेंट्रल एलिमेंट क्या है मुझे बताओ, सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है? सल्फर। ये भी सल्फर, यहाँ भी सल्फर है, सल्फर आपका सेंट्रल एलिमेंट है, राइट। तो सल्फर कैसा है, वैसे ही छोटा है, लेकिन जो साइड एटम्स हैं वहां पे फ्लोरीन बहुत छोटा होगा, तो हमारे स्पेस में 6 फ्लोरीन का जो अरेंजमेंट है वो तो बच्चों पॉसिबल हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत को ये हो जाएगी कि अगर आपके सल्फर का साइज छोटा ही रहा और उसके आउट्स अगर उसके जो टर्मिनल एटम्स हैं या जो उसके साइड वाइज जो एटम्स हैं जहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन आएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम क्लोरीन जो है वो आपके 4 प्रेजेंट, अदरवाइज रिपल्शन बढ़ जाता है। जो टर्मिनल एटम्स हैं अगर अपने सल्फर के साथ 6 क्लोरीन लगा दिए तो क्लोरीन का साइज तो बड़ा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से रिपल्शन होने लगता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स अपने आप में अनस्टेबिलिटी शो करता है। इसी तरीके से ब्रोमीन के साथ बात कर रहा हूँ तो ब्रोमीन आपका जो है सल्फर के साथ, सल्फर बहुत छोटा सा है, उसके आसपास 2 ब्रोमीन आपके अटैच हो सकते हैं जो स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 4 ब्रोमीन लगा दिए तो ब्रोमीन जो है साइड एटम्स को आपस में ही रिपल्शन फील करेंगे तो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल। इसी तरीके से मैं बात करूँ सल्फर के साथ ऊपर ब्रोमीन वाले केस में तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 तो कभी भी नहीं हो सकते हैं। बची कहानी किसकी है बेटा? आयोडीन की। तो आयोडीन तो बिल्कुल भी कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे लगभग नहीं करता है, ना के बराबर करता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सल्फर और आयोडीन के साथ लगभग रिएक्शंस होती ही नहीं है, ठीक। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, थ्योरी क्लियर है? ओके, इसका बच्चों बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ, ठीक है। रिएक्टिविटी सेक्शन चल रहा है, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसलिए स्टेटमेंट थ्योरी को मैं कर रहा हूँ एक्सप्लेन। अब आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर रिएक्शन बेटा हाइड्रोकार्बन्स के साथ करते हैं तो पहला आपका फ्लोरीन आएगा, तो फ्लोरीन क्या हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन परफॉर्म करता है बच्चों, बताओ? हाँ बिल्कुल करता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मीथेन के साथ जब हम फ्लोरीन लेके आते हैं, मीथेन प्लस फ्लोरीन 2 मोल्स फ्लोरीन आता है बेटा, ये कन्वर्ट करता है फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट के अंदर, मतलब यहाँ से कार्बन कोक बन जाएगा मीथेन और आपका यहाँ से निकाल देगा HF, ठीक है। तो HF आपका बन जाएगा 4 मोल्स, राइट, 4 मोल HF बनेगा, बाकी यहाँ से आपका कोक और ये कार्बन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आपका बन चुका HF, ठीक है, एसिड यहाँ से आपको डिफाइन करेगा। अच्छा, इसके बाद ये तो डायरेक्ट रिएक्शन परफॉर्म करता है बिकॉज इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो मीथेन के साथ,
लेकिन बचो जो क्लोरीन है ध्यान दो और जो आपका ब्रोमीन है, इन दोनों की कहानी अपनी अलग है। क्लोरीन ब्रोमीन डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, ये दोनों बच्चों करते हैं सब्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डिस्कस की गई होगी, ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट, बिल्कुल आपको बताई गई होगी। लेकिन फ्लोरीन बेटा डायरेक्ट रिएक्शन करता है, उसको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, डायरेक्ट रिएक्शन करेगा। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन कौन सा करेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ये परफॉर्म करता है, प्लीज इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया? अब मैं बात करना चाहूंगा आयोडीन। तो आयोडीन बेटा प्रैक्टिकली बोलू ना तो रिएक्शन नहीं करता है, आयोडीन प्रैक्टिकली हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो फ्लोरीन की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर आपका क्लोरीन आ जाएगा, फिर आपका ब्रोमीन आ जाएगा, सबसे लीस्ट आपका आयोडीन होगा विद हाइड्रोकार्बन। तो आयोडीन प्रैक्टिकली कोई रिएक्शन नहीं करता है। रिएक्टिविटी की बात करें तो बेटा फ्लोरीन आपका डायरेक्ट करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आपका क्या होगा, वो आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से आंसर बना लेगा। अच्छा ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा दिखा देता हूं मैं आपको, अगर आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, अगर आपको पता होगा बेटा, मीथेन के साथ अगर मैंने Cl2 के क्वेश्चन में वन मोल्स दिए हैं, मैंने वन मोल दिया है, तो व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर बनेगा बच्चों? अगर मैंने वन मोल दिया है, वन मोल दिया है तो क्या बनेगा बताओ? इसमें तीन मैकेनिज्म होते हैं बच्चों, चेन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। फिर रेडिकल्स बनते हैं, रेडिकल अटैक करता है मीथेन के साथ, है ना, तो हाँ, तो फिर यहां से क्या बनता है, यहाँ से न्यूट्रल मॉलिक्यूल रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2Cl नहीं, CH2Cl2 नहीं, पहले बनेगा क्लोरोफॉर्म, पहले बनेगा क्लोरोफॉर्म जब वन मोल यूज करेंगे। और क्लोरोफॉर्म जब बन चुका है तो अभी भी इसके पास प्रेजेंट है बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन, sp3 कार्बन है, उसके पास आपके हाइड्रोजन है, तो फिर से Cl2 आएगा, तो फिर से सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो अब बनेगा आपका नेक्स्ट Cl2 यूज करने पे, मतलब टू मोल Cl2 यूज करने पे CH4 डायरेक्ट बना सकता है क्या? CH2Cl2। और फिर से अपन ने अगर यहाँ पे Cl2 यूज कर दिया नेक्स्ट मोल, तो फिर यहाँ से क्या बनेगा बच्चों? CHCHCl3 बन जाएगा, राइट, CHCl3। अभी भी इसके पास प्रेजेंट एक हाइड्रोजन, तो फिर से बच्चों आप यहाँ पे क्लोरीन लेके आ जाओ सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ से परफेक्ट वाला आंसर क्या बनेगा? CCl4। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मीथेन के साथ मैंने 4 मोल्स दे दिए हैं, या मीथेन के साथ कभी क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सिस में क्लोरीन है, एक्सिस में क्लोरीन है, या 4 मोल दे रखे हैं, तो सीधा आंसर बच्चों CCl4 बनेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि मीथेन के साथ मैंने 2 मोल दिए हैं बच्चों, तो फिर आंसर टिक करना होगा CH2Cl2। मैं बोलूं मीथेन के साथ मैंने बच्चों यहां पे 3 मोल यूज किए हैं क्लोरीन के, तो फिर CHCl3 फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा? परफेक्ट, कोई डाउट नहीं? मैंने 4 मोल दिए तो CCl4 पर जाकर रिएक्शन हमारी स्टॉप हो जाएगी। करेक्ट है? यस, मैकेनिज्म बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। बाकी ये जल्दी से डिस्कस होने वाला है सी बैच के अंदर, तो आप इनके मैकेनिज्म को देख लेना, बाकी मैकेनिज्म उधर चल रहे हैं तो आप लोग वहां से भी फॉलो कर सकते हो। अब बच्चों नेक्स्ट कहानी आएगी आपकी हाइड्रोजन हैलाइड की। हाइड्रोजन हैलाइड बेटा थ्योरीज पे क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन में स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आइडेंटिफाई करने को आता है फॉल्स कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। अगर थ्योरी वाला सेक्शन क्लियर नहीं होगा तो आपकी गाड़ी फंस सकती है, कॉन्सेप्ट कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, तो थ्योरी वाले सेक्शन को भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, राइट। यस, एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन में डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हाइड्राइड हम बोल सकते हैं, हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन्स भी बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि हमारे सारे के सारे हैलोजन बच्चों, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और कैसे कौन सा कंपाउंड बच्चों फॉर्म करते हैं? कंपाउंड आपका फॉर्म हो जाएगा बच्चों HX। एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे अभी है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ये कंपाउंड कोवेलेंट के आयोनिक है, बताओ बच्चों ये कंपाउंड जो HX फॉर्म होगा, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि सारे के सारे हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और बच्चों ये कंपाउंड का हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका होगा HX। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ये आयोनिक कंपाउंड है, कोवेलेंट है, वोलेटाइल नेचर में है, कैसा है? तो बेटा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका वोलेटाइल है, वोलेटाइल कोवेलेंट, ठीक है, वोलेटाइल कोवेलेंट नेचर का है, वोलेटाइल कोवेलेंट नेचर का यहाँ पे हाइड्राइड्स आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज बच्चों हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 के अराउंड होती है, ठीक है, ये लगभग बेटा इक्वल टू फास्फोरस होती है, ठीक है। और फास्फोरस बच्चों पता है नाइट्रोजन के जस्ट नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, और ये भी आपका नॉन मेटल। तो यहाँ पे जो डिफरेंस, मेरी बात समझना बच्चों, इवन मैं बताऊंगा कि जितने भी हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं,
वो सारे के सारे आपके बहुत ही, मतलब मैं बोल सकता हूँ वीक बॉन्ड होते हैं, फॉर्मेशन होता है, और सारे के सारे आपके कोवेलेंट नेचर के ही होते हैं, आयोनिक नेचर के नहीं होते हैं, बिकॉज उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। और आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को डिफाइन करने के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो वो डिफरेंस ज्यादा होता नहीं है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट्स व्हाई HX भी आपका कैसा है, कोवेलेंट ही होगा, लेकिन वोलेटाइल कोवेलेंट होगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं दीज हाइड्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रा एसिड्स। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, हाइड्रा एसिड्स भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है इनको। यस, इसके बाद बच्चों बात करते हैं रिएक्टिविटी को लेके। तो रिएक्टिविटी का सिक्वेंस बच्चों क्या होगा, तो रिएक्टिविटी का सिक्वेंस ये होगा कि अगर मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाऊंगा, अगर मैं रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ, तो रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बच्चों किसकी होगी, फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन, सबसे कम होगी आपकी आयोडीन की। सभी को समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर हो गया है। इसमें आपने ये भी मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ क्लोरीन है बच्चों वो डार्क रिएक्शन परफॉर्म करते रहे, ठीक है बिल्कुल। और जो क्लोरीन है बेटा वो प्रेजेंस में करता है, ठीक है, और ब्रोमीन आपका सनलाइट प्लस हीट करने से करता है, और आयोडीन के लिए बेटा आपको हीटिंग तो हम करते हैं, उसके साथ हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, तब आयोडीन क्या करता है रिएक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन आयोडीन बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है, उसकी रिवर्सिबिलिटी को ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HIO4, ठीक है, लाइक HGO वगैरह, वो सारे के सारे हम लोग यूज करते हैं जिसको रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल ना हो, ठीक है ओके बिल्कुल। केमोनोफोर यूज नहीं करेंगे, केमोनोफोर यूज नहीं करेंगे, ठीक है यस। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड सिर्फ मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल आइडिया लगता जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे, तो बेटा ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता है यहाँ पे एक तो आपका एलिमेंट ऑक्सीजन होगा और दूसरा एलिमेंट आपका हैलोजन होगा। तो सबसे पहले आपका हैलोजन कौन सा आएगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ अगर बच्चों ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो मुझे बताओ मैं इसको क्या बोलूं, क्या मैं इसको ऑक्साइड बोलूं या मैं इसे फ्लोराइड बोलूं, क्या बोलूं बच्चों फ्लोराइड बताओ। बिकॉज़ फ्लोरीन की नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बिल्कुल सही, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट इज फ्लोराइड नॉट ऑक्साइड, ठीक है समझ में आ रहा है करेक्ट, मैं पहले भी बता चुका हूँ यस। अब यहाँ से जो रेस्ट ऑफ द हैलोजन्स हैं, अगर हैलाइड्स हैं, रेस्ट ऑफ द हैलोजन्स अगर उनके साथ ऑक्सीजन बच्चों परफॉर्म करेगा तो फिर वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स, है ना, वहां पे ब्रोमाइड नहीं बोलेंगे, वहां पे आयोडाइड नहीं बोलेंगे, वहां पे क्लोराइड नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं डेफिनेटली बिकॉज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, अगर मैं कंपाउंड के फॉर्मेशन पे अगर पूछूंगा आपसे, जैसे मैंने बोला है OF2, ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने बोला है O2F2, मैं डिस्कस करूंगा फ्लोरीन की बेटा यही दो कंपाउंड अवेलेबल है। देखो ऑक्सीजन के साथ जब भी फ्लोरीन कंबाइन करेगा तो ये दो ही कंपाउंड आपके पॉसिबल होते हैं, फीजिबल होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं, दो ही, इन पे दो पे क्वेश्चन आ सकता है, एक तो OF2 होता है, दूसरा O2F2 होता है फ्लोरीन का। लेकिन इसको हम लोग कभी भी ऑक्साइड नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोराइड बोलेंगे। देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो आपका सफिक्स में आएगा, बिल्कुल सही। अगर मैं बात करूं बच्चों क्लोरीन के साथ तो ऐसा किस नहीं होगा, क्लोरीन में Cl2O बिल्कुल मिलता है, नेक्स्ट बच्चों ClO2 भी फॉर्म होता है, नेक्स्ट आपका Cl2O6 भी फॉर्म होता है, Cl2O7 भी फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्लोरीन के हमारे कुछ पर्टिकुलर ऑक्साइड्स हैं, मैं क्लोराइड नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं फ्लोराइड बोलूंगा, लेकिन ये सारे के सारे ऑक्साइड्स हैं क्लोरीन के, सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आपको मिलता है Br2O, सेकेंड आपको मिलता है Br2O, नेक्स्ट मिलता है बच्चों Br3, ठीक है Br3। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट ऑक्साइड हैं बच्चों ब्रोमीन के, मैं यहाँ पे ऑक्साइड बोलूंगा ब्रोमाइड नहीं बोलूंगा। इसी के साथ बच्चों अगर मैं आयोडीन की तरफ बात करूं तो आयोडीन का एक सबसे पॉपुलर है I2O5 अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस, ठीक है। I2O5 सिर्फ आयोडीन का एक पॉसिबल आपका ऑक्साइड है जो हमारे NCERT में डिफाइंड है। तो ये कुछ कॉमन ऑक्साइड्स हैं और क्लोराइड्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किए, सभी को समझ में आ रहा है। नाउ कम्स क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी बच्चों ऑक्साइड्स फॉर्म हुए हैं ये आयोनिक हैं कि कोवेलेंट हैं, ये आयोनिक है कि कोवेलेंट है, कैसे हैं, सारे के सारे बच्चों कोवेलेंट नेचर के हैं। क्यों कोवेलेंट, बिकॉज लेस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड हैलोजन, ठीक है यस बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के साथ तो बच्चों फ्लोरीन ने अपने ये कंपाउंड लिए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चों यहां से कॉन्सेप्ट ये डेवलप होता है कि अगर मैं ऑक्सीजन फ्लोराइड
ऑक्सीजन फ्लोराइड में बोल रहा हूँ, तो ऑक्सीजन फ्लोराइड क्या कभी ऑक्जो एसिड्स बना सकते हैं बताओ मुझे, क्या कभी ऑक्जी एसिड्स बना सकते हैं? बेटा ऑक्जी एसिड जब फॉर्म होता है ना तो उसमें ऑक्सीजन डोमिनेंट करता है, मेरी बात समझ समझो ध्यान से, जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड के अंदर, तो ऑक्सीजन फ्लोराइड जो हम लोगों ने देखे, पहला देखा हम लोगों ने OF2 देखा, ध्यान दो बच्चों, दूसरा हम लोगों ने देखा O2F2। तो अगर मैं इनका बच्चों हाइड्रोलिसिस कराऊं, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे आपको क्या मिलना चाहिए भाई, ऑक्सो एसिड्स की कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि ऑक्सो एसिड्स यहाँ से मिलना चाहिए। तो बेटा प्लीज ध्यान रखो, जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, ऑक्साइड को पानी में डालो, नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो एसिड मिलता है, वो एसिड हमारे ऑक्जी एसिड्स होते हैं। अगर आपने मेटल ऑक्साइड को पानी में डाला तो आपको मिलते हैं बच्चों क्या, बेस मिलते हैं, ठीक है, परफेक्ट समझ में आ रहा है बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो बच्चों ये ऑक्साइड तो है ही नहीं है, ये तो फ्लोराइड है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये तो बच्चों फ्लोराइड्स हैं। तो फ्लोराइड्स को पानी पे डालने पे क्या कभी ऑक्जो एसिड्स बन सकता है? मेरा आंसर होगा नो, समझ में आ गया। लेकिन यहीं पे अगर मैं बेटा फ्लोरीन को छोड़ के बाकी हेलोजन के कंपाउंड लेके आऊंगा तो फिर वहां पे ऑक्जी एसिड्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, मैं टर्म यूज सही कर रहा हूँ, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, राइट, क्लोराइड तो यूज नहीं कर रहा हूँ, ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, वो सारे के सारे एसिड नेचर को शो करेंगे। और जैसे जैसे वहां पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो बच्चों वहां पे आपकी जो एसिड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती जाती है। तो हम लोग चेक करते हैं, चलो कुछ रिएक्शंस ले लें बेटा। Cl2O के साथ अगर मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स लाया तो मुझे बताओ यहाँ से क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ बच्चों। Cl2O के साथ मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स लेके आया तो क्या आंसर बनेगा? नो डाउट दीज आर दी नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड्स बनेंगे। यस, मैं एसिड की स्ट्रेंथ भी पूछूंगा आप लोगों से यहाँ पे। Cl2O6 के साथ अगर बच्चों में वाटर मॉलिक्यूल्स लाऊंगा तो क्या आंसर बनेगा? यहीं पे अगर मैं पूछूं कि Cl2O7 के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो व्हाट इज द आंसर? बच्चों प्लीज ध्यान देना कि इन चारों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेगी, जो इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो बताओ बच्चों यहाँ पे फर्स्ट हमारा एसिड क्या बनेगा? तो सीधा सा है बच्चों, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, दो ऑक्सीजन है, तो H2Cl2O2 जिसमें 2 कॉमन लेके लिख लो HClO, है ना, ऑफलाइन सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, ठीक है। यस, अगर Cl2O के साथ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कंपाउंड बच्चों फॉर्म होगा उस केस में हम Cl2O के 2 मोल्स यूज करते हैं। जहां से बेटा एक कंपाउंड बनते तो HClO2 बनता है यहाँ से, और दूसरा बनता है HClO3। कोई बताएगा मुझे ये हमारा आंसर क्यों फॉर्म हुआ है, ये दो दो प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हुए हैं? दिमाग लगाओ, आंसर बताओ मुझे। नेक्स्ट बच्चों, Cl2O6 के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा तो यहाँ से बेटा आंसर बनता है, तो HClO3 बनता है, दूसरा बनता है HClO4, ठीक है। इसी तरीके से Cl2O7 का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ से कोई डाउट नहीं, बेटा सीधा मिलता है 2 मोल ऑफ HClO4। क्वेश्चन हमारा यहाँ कि बेटा यहाँ पे दो दो प्रोडक्ट क्यों मिले हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे? यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इन बिटवीन, आप यही बोलोगी? हाँ सर, इन बिटवीन है, तो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में भी जाएगा और लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में। देखो मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल ClO2 ऑक्सीडाइज तो होगा बेटा, इसका क्लोरीन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है मुझे बताओ, यहाँ पे Cl2 में आप निकाल लो 2, यहाँ पे x+2 - 2=0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? +4। करेक्ट, +4। अब +4 तो बेटा आपकी इन बिटवीन होती है ऑक्सीडेशन नंबर, तो वो क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइज कर सकती है। अच्छा Cl2O के साथ बात करोगे तो कितना होगा, 2 × x, यहाँ पे इधर -2 तो इधर +2 हो जाएगा, 2 से 2 बच्चों हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो x की वैल्यू कितनी यहाँ पे आएगी, 1 आएगी क्या बताओ मुझे, क्लोरीन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 × x, यहाँ पे -2 = 0 होगा, उधर जाएगा +2, तो 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे हमारा एक ही एसिड बनेगा। अच्छा इसका नाम बताओ बेटा, HClO का नाम क्या होगा? लेकिन यहाँ से दो बनेंगे, एक तो HClO2 बनेगा, HClO3 बनेगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट HClO3 है। यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीडाइज HClO4 है, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट है वो टच करेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ, लेकिन लास्ट वाला कंपाउंड है तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, सीधा बेटा आंसर मिल जाएगा। अच्छा दूसरा केस ये भी, आप एवरेज भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे कितना आया था इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, कितना आया था +4, चलो चेक करके देखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा HClO3 के अंदर ऑक्सीडेशन में क्लोरीन का, कितना आएगा, 3 × -2 - 6 हो जाएगा, उधर +6 जाएगा, उधर 1, उधर आपको ऑलरेडी क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, बताओ बेटा ClO3 - 1 होगा ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो +4 के इक्वल आएगा, चेक करते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा,
ये जरा मुझे बताओ, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 3 × −2 − 6, उधर +6 जाएगा और +6 में से एक में यहाँ पे, हाँ हाँ ये कितना होगा, +6 हो जाएगा ना उधर, +6 माइनस वन करेंगे तो +5 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे निकालो इसका Cl O2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा, तो Cl O2 में अगर बात करेंगे तो बेटा यहाँ से निकालेंगे तो -1, Cl O2 -1 होगा, 2 × 4 हो जाएगा, उधर आपका जाएगा तो -4 से +4, −1 करेंगे तो +3 मिल जाएगा, राइट। जरा इसको ऐड करो, 5 और 3 को ऐड करो, कितना हो गया बच्चों, 5 और 3 8, 8 / 2 हैलोजन है, 8/2, तो आंसर विल बी 4, यस वी आर करेक्ट, ठीक है, 4 ऑक्सीडेशन नंबर हमारा मैच कर गया, बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरीके से हम यहाँ भी वेरीफाइड कर सकते हैं, जरा यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा Cl2O6 के अंदर आपका ये 12 हो जाएगा, 12 / 2 हो जाएगा, तो आंसर बच्चों कितना आएगा, 6 निकल, क्या हमारा 6 इधर निकलेगा, एवरेज निकलो जरा, प्लीज सॉल्व करो, 6 ही आना चाहिए, बिल्कुल। HClO4 है यहाँ पे, HClO3 का बेटा कितना था, अभी निकाला था हम लोगों ने यहाँ पे 5 था, HClO4 का निकाल लो, तो यहाँ पे 4 × −2 आपका 8 हो जाएगा, तो आपको 7 मिलेगा, 7 + 5 = 12, 12 / 2 आंसर विल बी 6, सभी को समझ में आ गया, 12/2 आंसर विल बी 6, बिल्कुल सही है। तो हमारे जो भी मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में करा रहा हूँ, ये आपको प्लीज ध्यान रखना है, कौन कौन सी बनते हैं प्रोडक्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो बेटा जो हमारे फ्लोराइड्स हैं वो हाइड्रोलिसिस करने पे ऑक्सी एक्सचेंज नहीं बनाते हैं, प्लीज ध्यान में रखना, बाकी जो हमारे बेटा यहाँ पे ऑक्साइड्स हैं, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, सारे के सारे एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, किसी को यहाँ तक डाउट नहीं होगा। अब बात करने वाले हैं बेटा यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास 3 मोनोऑक्साइड्स हैं, मोनोऑक्साइड्स बेटा बात कर रहे हैं, तो एक तो आपका OF2 है, ठीक है, यस हम बात कर रहे हैं मोनोऑक्साइड्स के बारे में, एक तो OF2, लेकिन OF2 को हम लोग मोनोऑक्साइड्स कैटेगरी में डालते हैं, नो डाउट इधर ये फ्लोराइड, लेकिन वन ऑक्सीजन है, यहाँ पे वन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम बात कर रहे हैं, कंपेरिजन आता है, Cl2O को लेकर कंपेरिजन पूछा गया है, OF2 को लेकर पूछा गया है, और बच्चों पूछा गया है Br2O को लेके। नाउ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बताना बेटा कि इनका जो शेप है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इनका शेप और स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बेटा जरा ड्रॉ करते हैं, ऑक्सीजन 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, ऑक्सीजन की 6 वैलेंसी होती है बच्चों, तो 2 लोन पेयर, इसी तरीके से Cl2O को आप Cl2 मतलब एक ऑक्सीजन हो गया, दिस इज ऑक्सीजन एक्चुअली, और इसके साथ 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और ये आपके लोन पेयर, इसी तरीके से बेटा Br2O को ड्रॉ कर लेते हैं, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन यहाँ पे आपके 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और बच्चों 2 बॉन्ड पेयर, आंसर बच्चों क्या होगा जरा बताओ मुझे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, सभी लोग एग्री कर रहे हो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आप जरा बताओ शेप और ज्योमेट्री पे बात करता हूँ मैं, ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगा बताओ बच्चों, ज्योमेट्री क्या होगी, n = 4 दिख रहा है, 2 बॉन्ड पेयर हैं प्लस बच्चों 2 आपके लोन पेयर हैं सभी के पास, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर = 4, तो बेटा ज्योमेट्री ऑलवेज फिक्स, ज्योमेट्री बच्चों क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल आपकी ज्योमेट्री, करेक्ट। अच्छा दूसरा मैं पूछना चाहूंगा इसका हाइड्रेशन बच्चों, तो वो तो sp3 होगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा है कि इनका शेप क्या होगा, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज शेप, संदेश इसका शेप क्या होगा, यहाँ पे इसका शेप क्या होगा, यस बेंट और बी शेप, बिल्कुल सही है यार, बी शेप ही दिख रहा है आपको, ऑलरेडी बना के दिया है मैंने, ये देखो बी बनाना उल्टा बी बनाना इस तरीके से, दिस इज बेंट और बी शेप, ठीक है, इसको हम लोग बेंट और बी शेप हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हैं, बेंट और बी शेप, बिल्कुल सही है, सभी का ही होगा। नाउ फर्स्ट बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताओ मुझे फर्स्ट में बॉन्ड एंगल कितना होगा, मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल थीटा, ये कितना होगा, इसका आता है 103 डिग्री, जैसे जैसे बेटा यहाँ पे आपका एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा साइड एटम्स का, बॉन्ड एंगल की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना आएगा, ये आता है 105 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल आता है आपका 110 डिग्री, ठीक है, 110 है ना, 110 आपका डिग्री, तो जिस तरीके से यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपका यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आपको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड्स, तो ऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे तो आपको पता चली गई कि फ्लोरीन कभी भी ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, रीजन बच्चों क्लियर है, बिकॉज फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, बात समझ में आ गई,
यस, बाकी अदर हमारे जो हेलोजन से वो ऑक्सीएसिड्स बना सकते हैं, जिनका टाइप, जिनकी कैटेगरीज है, जिनकी जनरल कैटेगरी की बच्चों बात करें तो आपको फर्स्ट टाइप मिलता है HXO टाइप मिलता है, सेकेंड मिलता है HXO2 टाइप मिलता है, नेक्स्ट मिलता है HXO4 टाइप। तो ये कुछ कॉमन कैटेगरी है बच्चों ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोराइड्स या ऑक्सी एसिड्स ऑफ बाकी हैलाइड्स अदर देन फ्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ से आपके कुछ ऐसे आपके ऑक्सी एसिड्स जो अनस्टेबल होते हैं तो उनके ऊपर हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, ये जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है HXO2 HXO4, एक और आता है बेटा HXO3, लेकिन वो जनरली बेटा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक हम टेबल लेते हैं और समझते हैं जरा। मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है ऑक्सीडेशन नंबर में +1 ले लिया है, ऑड नंबर वाले +3 +5 और +7। तो मुझे बताना है क्लोरीन, तो क्लोरीन का बेटा सबसे पहला ऑक्सो एसिड हमारा कौन सा फॉर्म होगा, जहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो तो HClO फॉर्म हो जाएगा। +3 वाले के बारे में जरा बताओ, +3 वाला कौन सा होगा, तो HClO2 हो जाएगा। नेक्स्ट HClO3 हो गया। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं +7 में, तो HClO4 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ब्रोमीन की तरफ बात करूं तो ब्रोमीन बेटा फर्स्ट तो आपका स्टेबल होता है HBrO, लेकिन इसके बाद आपका जो +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला है ये आपका अनस्टेबल होता है, ये आपका अनस्टेबल होता है, लेकिन फॉर्म होता है बट अनस्टेबल होता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो ये आता है HBrO3, ये प्रॉपर फॉर्म होता है, और HBrO4 ये भी आपका अनस्टेबल होता है। तो ये दोनों अनस्टेबल होते हैं +3 and +7 वाले। इस तरीके से आयोडीन की तरफ चलें तो आयोडीन के अंदर बच्चों फर्स्ट तो स्टेबल है HIO, ये सभी में स्टेबल है +1 ऑक्सीडेशन नंबर वाला, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ये भी अनस्टेबल होगा आपके +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला। नेक्स्ट है HIO3, ये भी आपका स्टेबल है, ये दोनों स्टेबल है इस जगह, ये भी सब स्टेबल, मतलब +1 और +5 वाले हर जगह स्टेबल है, +3 वाला आपका अनस्टेबल है, +7 वाले भी अनस्टेबल है, लेकिन क्लोरीन में सारे के सारे स्टेबल है, ब्रोमीन के अंदर +3 +7 वाले अनस्टेबल है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। आयोडीन में आपका +3 वाला अनस्टेबल है, और लास्ट बेटा यहाँ से बनता है HIO4, ठीक है HIO4 करेक्ट। और इसके बारे में बात करते हैं, ये स्टेबल होता है अनस्टेबल नहीं होता है। तो फर्स्ट वाले को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोहैलस बोल सकते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। सेकंड वाले को हम हैलस एसिड, हैलिक एसिड और पर हैलिक एसिड। तो मतलब बेटा अगर मैं टॉप टू बॉटम अगर ट्रेवल करूं इन एसिड्स के साथ, +1 से अगर मैं +7 ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ मूव करूं तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो बेटा इनकी जो एसिडिटी होगी वो क्या करेगी, वो आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। मैं पूछूं स्टेबिलिटी के बारे में, तो व्हाट इज द आंसर, स्टेबिलिटी बच्चों टॉप टू बॉटम आने पे, +1 से +7 ऑक्सीडेशन मतलब आने पे, आपकी जो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी ऑक्सी एसिड्स की, तो मैंने हमेशा बताया है +7 की तरफ जाने पे ऑक्सीडेशन बढ़ने से स्टेबिलिटी की तरफ वो मूव करता है, तो मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, प्लीज बच्चों ध्यान रखना। दूसरा मैं पूछूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में, तो बताओ मुझे कि जो +1 से +3 +5 +7 तरफ मैं जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम आ रहा हूँ +1 से +3 +5 +7 की तरफ, तो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा उसकी वैल्यू बच्चों इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होगी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मैंने पूछा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछा है मैंने, रिड्यूस होगा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाले है ना, ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं क्या, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते बेटा, ये रिडक्शन को ही सपोर्ट कर सकते हैं ना मैक्सिमम, तो ये हमारा +7 वाला क्या करे, +8 में कभी जा सकता है क्या, नहीं ना, समझ में आ रही मेरी बात। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये +7 वाला कभी +8 +9 में नहीं जा सकता है, ये +6 में आ सकता है, +5 में आ सकता है, +3 में आ सकता है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में तो रिडक्शन होगा, तो बर्गन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, परफेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे बताओ, इनका रिडक्शन होगा। तो टॉप टू बॉटम आने पे इनका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज। सभी को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से आ सकते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं और पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, जरा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, ध्यान दो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इन एसिड्स में मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो तब मुझे बताओ यहाँ पे हमारा एसिडिक नेचर बढ़ेगा या घटेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ बच्चों एसिडिक नेचर क्या होगा, अरे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बिल्कुल डिक्रीज और इंक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज करेगी, बिल्कुल सही, एसिडिटी बिल्कुल, मैं हाइड्रोजन हैलाइड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ,
HCl, HBr, HI, कि HI सर सबसे अच्छा एसिड होता है। हाँ ये ध्यान रखना, मैं एसिड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारी चीजों को मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंटर हेलोजन एटम तो मोर विल बी द एसिडिक कैरेक्टर, हम लोग बहुत पहले पढ़ते आए हैं। यहाँ तक सभी क्लियर हो गया है, कोई डाउट? चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। चलो मुझे बताना ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में। HClO लिया मैंने, मैंने लिया है HClO2 लिया है, नेक्स्ट मैंने HClO3 लिया है बेटा, नेक्स्ट है HClO4। बताओ मुझे ऑक्सीडाइजिंग नेचर का सीक्वेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का सीक्वेंस सबसे ज्यादा होगा। यस दिस इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर करेक्ट आंसर है। अब मैं थर्मल स्टेबिलिटी पूछूं, मुझे आंसर बताना बच्चों, मैं थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या ऑर्डर बनेगा बताओ मुझे। मैंने पूछा है, मैंने सपोज यहाँ पूछा है एसिडिक करेक्टर, मैंने पूछा है एसिडिक करेक्टर या मैंने पूछा है थर्मल स्टेबिलिटी, मुझे बताओ क्या आंसर होगा। यस प्लीज, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, HClO का सबसे कम होगा राइट, HClO2 का उससे अधिक होगा, उससे अधिक HClO3 का होगा, बिल्कुल सही, उससे अधिक HClO4 का होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा, थर्मल स्टेबिलिटी प्लीज क्या आंसर बनेगा बेटा। माइक आपका ऑन है, आप माइक ऑन है, आप बोल सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या आंसर होगा, सर यही होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड। हाँ या एसिडिक नेचर के ट्रेंड को सेम फॉलो करेगा ये बताओ मुझे। ये जो ट्रेंड दे रखा है ना, यही सेम ट्रेंड होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड और एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड। अभी तो स्टेबिलिटी के बारे में बताया भी था तो भी आपको पता होना चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक नेचर का ट्रेंड सेम होगा, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर का नेचर आपको उल्टा होगा, वो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं अपनी कुछ अदर रिएक्शन के साथ, तो लेते हैं बेटा फ्लोरीन की रिएक्शन एल्कलीज के साथ। तो मैंने लिया है NaOH, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्रीवियस में पूछी गई है, बताओ मुझे आंसर क्या आंसर बनेगा। यहाँ पे मैंने NaOH को लिया बेटा कोल्ड एंड डाइल्यूट, दिस इज कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है पहला केस। सेकंड केस इसमें है आपके कॉन्सेंट्रेटेड को लेके, कॉन्सेंट्रेशन है आपका NaOH का, इट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड, बाकी आपका फ्लोरीन। व्हाट इज द आंसर, क्या दोनों में आंसर सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा? तो देखो बच्चों, फ्लोरीन जब रिएक्ट करेगा कोल्ड एंड डाइल्यूट एल्कलीज के साथ तो बच्चों प्रोड्यूस करता है OF2, क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लोराइड OF2 प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड के साथ होगा तो उस केस में बेटा ये इवॉल्व करता है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस, ये प्लीज ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस ये करता है OF2 का इवॉल्व। तो हमारा यहाँ से जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड, तो फर्स्ट केस में आपका यहाँ से इसकी टू मोल्स लिए जाएंगे, यहाँ भी इसकी टू मोल्स होंगे, तो हमारा आंसर बनेगा पहला एक तो फ्लोराइड NaF बन जाएगा, इसकी टू मोल्स हो जाएंगे, प्लस बेटा बनेगा आपका OF2 बनेगा, ठीक है आपका ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और प्लस आपका यहाँ से बन जाएगा लिटिल बिट अमाउंट वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसके कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ बच्चों इसके फोर मोल्स ये आते हैं बिकॉज इज कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेशन वाले केस के अंदर इसके मोल्स बेटा डेफिनेटली ऊपर वाले से अधिक होंगे, बिल्कुल ये आपका फ्लोरीन आपके यहाँ पे टू मोल्स ही रहेंगे। तो इस केस में आपका जो आंसर होगा एक तो ऑक्सीजन गैस आपकी इवॉल्व होगी, प्लस आपका फॉर्म होगा NaF फोर मोल्स, और प्लस आपका टू मोल्स ऑफ वाटर यहाँ से प्रोड्यूस होगा। तो इम्पोर्टेंट बेटा पॉइंट क्या है, O2 और OF2, इन दोनों पे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी बेटा कौन कौन से बच्चे हैं, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, उनके साथ अगर मैं रिएक्शन परफॉर्म कराऊं तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो चलो ले लेते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है वो सब एक जैसे रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, ये जो NaOH है ये आपका कोल्ड एंड डाइल्यूट है, तो कोल्ड एंड डाइल्यूट मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों X2 का मतलब यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ बेटा आपका या तो क्लोरीन है या फिर आपका ब्रोमीन है या फिर आपका आयोडीन है, ये सब एक जैसे ही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इफ NaOH इज कोल्ड एंड डाइल्यूट तो यहाँ से बच्चों हमारा आंसर क्या बनेगा, तो हैलाइड बनेगा, दूसरा हाइपोहैलाइड बनता है, हैलाइड और हाइपोहैलाइड, तो एक तो आंसर बनेगा NaX, ठीक है,
और आई थिंक मैंने रिएक्शंस आपको ऑलरेडी पढ़ाई है इस चीज ये मैकेनिज्म इसके ऊपर डिस्कस कर रखा है मैंने। तो एक तो एन एक्स बनेगा, दूसरा बनेगा आपका एन ए एक्स ओ बनेगा, एन ए एक्स ओ बनेगा और लास्ट बनेगा आपका वॉटर मॉलिक्यूल्स। एन ए एक्स से आपका हेलाइड एच ए एल आई डी और आपका ये है हाइपो हेलाइड। स्पेलिंग लास्ट में क्या है, ये हेलाइड नहीं है बेटा, एच ए एल आई टी है, ठीक है, हाइपो हेलाइड। समझ में आ रहा है क्लियर? अच्छा अब जरा मुझे आंसर बताओ खतीजा, आप आंसर बताओ, NaOH के साथ मैंने क्लोरीन यूज किया है, बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा और NaClO बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सही है, करेक्ट? यस सर। ओके अगर मैंने पूछा है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, एक केस और बचा हुआ वो भी ले लेते हैं। मैंने NaOH यहाँ पे अगर मैंने ले लिया है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो बताओ मुझे हमारा आंसर यहाँ से क्या बनेगा? बेटा वही Cl2 है, वही Br2 है और आपका I2 है, हमारा आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ से बच्चों बनता है हैलेट, एक बनता है हैलाइट, एक बनता है हैलेट। तो मैंने NaOH लिया है, मैंने सपोज मान के चलो बच्चों ले लिया है, इफ एनी केस मैंने आयोडीन लिया है, थोड़ा बदल देते हैं, मैंने आयोडीन लिया है, चलो आयोडीन के साथ NaOH और दिस NaOH इज हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। तो ध्यान रखना है बेटा ऊपर से क्या बनाता है आपका, एक तो हैलाइट बनाता है, एक हाइपो हैलाइट बनाता है, हैलाइट, ठीक है, आई टी ई। तो यहाँ से बनता है आपका क्या, एक तो हैलेट बनता है और दूसरा बनता है हैलाइड। तो हैलाइड तो क्लियर है कि एन ए एक्स बन जाएगा और दूसरा आपका यहाँ से बनता है एन ए एक्स ओ थ्री, ये बच्चों होता है हैलेट, ओ थ्री है, राइट, ये आपका होता है एच ए एल ए टी। तो मैं आंसर पूछना चाहूँ आयोडीन वाले का, तो बताओ मुझे एक तो बनेगा सोडियम आयोडाइड बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, एन ए आई ओ थ्री जो होगा सोडियम आयोडेट, आई ओ डी ए टी, सोडियम आयोडेट, और प्लस बच्चों क्या बनेगा, वही आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो प्लीज बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चंस बन सकता है, आपको फंसा सकता है यहाँ से, बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, गलतियां हो सकती हैं, प्लीज। नेक्स्ट हम बात, जो बच्चे ध्यान से समझेंगे चीजों को, रिवाइज करेंगे, लेक्चर्स को देखते रहेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो क्विज कराता हूँ मैं, तो डेफिनेटली उनकी नॉलेज बढ़ती रहेगी और एक दिन एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चंस ऐसे ही मिल जाएंगे और हम लोग आराम से 45 क्वेश्चंस में से मोर देन 40 क्वेश्चंस करके आ जाएंगे, बिल्कुल तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन जो इरेगुलरिटी दिखाएगा तो वो तो गाड़ी फंसने वाली है, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बाद सात बच्चों बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग बच्चों बराबर होती है, तो मैं कैटेगराइज कर दूं बेटा, तो जनरल टाइप इज ए बी एन, जनरल टाइप इज ए बी एन, मेरा नाम ए बी है तो उससे नहीं, मैं जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों ए बी एन, ए ए को मैं फिक्स करता हूँ, ए की बेटा ए हमेशा साइज में कैसा होगा, बिगर, ए जो साइज होगा एटम का वो बिगर साइज होगा एज कम्पेयर टू बी, बी का साइज बच्चों हमेशा कैसा होगा, स्मॉलर। प्लीज बच्चों मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, जहाँ पे एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से कंबाइन होगा, जिसमें कौन कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं, क्या क्या कैटेगरी होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो स्मॉल एन की वैल्यू है वो बच्चों आपकी वैल्यू बेटा जीरो कभी नहीं हो सकती है, स्मॉल एन की वैल्यू या तो वन होगी या थ्री होगी या फाइव होगी या सेवन होगी, प्लीज ध्यान रखना, वन थ्री फाइव सेवन, बिकॉज ऑड नंबर में ही ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन की जाती है, इनकी ऑड नंबर में ही ये नंबर्स आपके यहाँ पे स्मॉल एन डिफाइन होगा। ए बी में ए बी हेलोजन है, बी बी हेलोजन है, दोनों है आपके हैलाइड्स हैं, इसमें से ए हमेशा क्या होगा बच्चों, बिगर साइज का जो पहले लिखा जाएगा, उसके बाद में होगा आपके स्मॉलर साइज का, क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, सभी क्लियर हो रही है? ओके चलो अब मैं यहाँ से कुछ और भी पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं। अच्छा ये सारे सारे जो कंपाउंड हमारे बनेंगे वो कैसे होंगे, कोवेलेंट इन नेचर होंगे, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, आंख बन गए कि बेटा बोलो इंटर हेलोजन कंपाउंड सारे के सारे कोवेलेंट, बिकॉज डिफरेंट उनमें बहुत ज्यादा नहीं होता है। अब मैं बोलूंगा कि जैसे जैसे बच्चों स्मॉल एन की वैल्यू बढ़ेगी, वन आएगा, थ्री आएगा, फाइव आएगा, सेवन आएगा, तो स्मॉल एन की वैल्यू बच्चों जैसे जैसे इंक्रीज होगी, तो साइज ऑफ हेलोजन जो है कौन सा, ए, ए का साइज की बात कर रहा हूँ, ये जो फर्स्ट में ए लगा है, तो इसका जो साइज है, इस हेलोजन का जो साइज है जो फर्स्ट पे लगा होगा, उसका साइज भी बढ़ता जाएगा, प्लीज ध्यान रखना। जैसे जैसे आपके वन थ्री फाइव सेवन जैसे जैसे नंबर एन के बढ़ते जाएंगे, तो वहां पे जो हमारा फर्स्ट एटम है ए, उसका साइज भी बच्चों क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, सभी को क्लियर हो रहा है? ओके जब मैं बात करूं यहाँ पे स्मॉल एन, तो मैक्सिमम वैल्यू क्लोरीन के लिए कितनी होगी बच्चों, थ्री, ब्रोमीन के लिए होती है फाइव, आयोडीन के लिए होती है सेवन। अब चलो हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस, इसके कंपाउंड्स के ऊपर, तो इसकी कैटेगरी बेटा होती है, सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है ए बी टाइप,
सेकेंड आती है आपकी ए बी थ्री टाइप, नेक्स्ट आती है आपकी ए बी फाइव टाइप, नेक्स्ट आती है बच्चों ए बी सेवन टाइप। तो ए बी टाइप की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको, अब मुझे बताओ, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, तो ए बी टाइप में हमारे कंपाउंड कौन कौन से बन सकते हैं बच्चों, प्लीज बताओ। ए बी टाइप में आपको क्या ध्यान रखना है, एन की वैल्यू वन है बच्चों, बिल्कुल। पहला एटम कैसा होना चाहिए, ए कैसा होना चाहिए, बड़ा, बी होना चाहिए छोटा, दो ही एटम आने चाहिए, राइट। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, पहला बड़ा होना चाहिए फिर दूसरा छोटा होना चाहिए, तो स्टार्ट कर देना यहीं से, सी एल एफ पहला मॉलिक्यूल यहीं से बना लो। ए देखो बड़ा है कि नहीं, ए बड़ा दिख रहा है आपको, क्लोरीन बड़ा है ना, यस। दूसरा मैं अगर यहाँ पे लिखूं बी आर एफ, कोई डाउट होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल सही। सिक्वेंस वाइज लिखो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, इरेगुलरिटी करोगे तो फिर आपको ही पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। इरेगुलरिटी के साथ मत पढ़ो, रेगुलरिटी के साथ फॉलो करो, ठीक है। बी आर सी एल, हाँ बिल्कुल आप फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई सी एल, आपने कुछ बच्चों ने एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, लेकिन रेगुलरिटी के साथ फॉलो करो तो ज्यादा बेटर आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। आप और भी कंपाउंड्स बना सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बच्चों ए जो है ना वो बड़ा साइज का होना चाहिए, उल्टा मत कह देना कि एफ सी एल कर दो, एफ सी एल कर दोगे ना तो आंसर गलत है, ये एंटी हैलोजन कंपाउंड्स नहीं है, ये गलत आंसर है, इससे कंपाउंड नहीं मिलने वाला। तो रिप्रेजेंटेशन आपको प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं ए बी थ्री पे, आपने एग्जाम्पल जो दिया है बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, ठीक है, यस, रूल्स को फॉलो करना हमेशा। अच्छा ए बी थ्री की तरफ बात है, तो एन की वैल्यू बच्चों बढ़ रही है, यहाँ पे वन थी, तो धीरे धीरे हमारा जो एटम है उसका साइज भी तो बढ़ता जाएगा। तो ए बी थ्री के अंदर बच्चों मुझे बताओ कभी फ्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन तो आएगा नहीं, क्लोरीन आ सकता है, तो सी एल से स्टार्ट करो, मैंने बोला भी था एन की वैल्यू थ्री, थ्री किसके लिए बेटा, क्लोरीन के लिए, फाइव किसके लिए, ब्रोमीन के लिए, राइट, और सेवन किसके लिए, आयोडीन के अलाउड होते हैं। तो ए बी थ्री एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सी एल एफ थ्री, बिल्कुल लिख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं तो बच्चों आपका बी आर एफ थ्री हो सकता है, और मैं बोलूं तो आपका आई सी एल थ्री बी तो हो सकता है, और बताओ और भी एग्जाम्पल दो आप मुझे, टेक्स्ट करो मुझे, मैं देखूंगा बिल्कुल आपके आंसर। यस निरंत प्लीज आंसर करो बेटा। ए बी फाइव के बारे में बात करें तो क्या आपको मिलेगा, यहाँ से आई एफ फाइव, ठीक है, नेक्स्ट बी आर एफ फाइव, जो पॉसिबल है वही, जबरदस्ती बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या इसके ब्रोमीन के साथ ना, सर मैं ब्रोमीन के साथ ना फाइव क्लोरीन जोड़ना चाहता हूँ, गलत आंसर हो जाएगा बेटा, बड़ा साइज का है ना तो फाइव तो अटैच हो ही नहीं सकते ना। ए बी सेवन के साथ बात करो तो ए बी सेवन में हमारा एनसीईआरटी कहती है कि आई एफ सेवन हमारा सबसे पॉपुलर है, यही आपका सबसे स्टेबल होता है, क्लियर है, सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ओके। अब ये जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, ये सारे के सारे बच्चों कैसे होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं, ये सारे के सारे बच्चों या तो गैस होते हैं या आपके यहाँ पे लिक्विड्स होते हैं, गैस या फिर लिक्विड्स, गैस होते हैं या फिर आपके लिक्विड्स होते हैं, मेरी बात समझ लो ध्यान से, गैस होंगे या बच्चों लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड की फेज में नहीं होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, ओके। अब अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आयोडीन के साथ फ्लोरीन बॉन्ड है, सीएल के साथ फ्लोरीन बॉन्ड है, बी ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन बॉन्ड है, तो ब्रोमीन के साथ ब्रोमीन बॉन्ड होगा, क्या उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी, क्या वो बॉन्ड आपका वीक होगा, बताओ मुझे, क्या आपके फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन वाले केस को छोड़ के, बाकी मैं केसेस की बात कर रहा हूँ। तो जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारे पास ये ए बी बॉन्ड है, दूसरा हमारे पास ये बी और बी बॉन्ड है, तो दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, ए बी सपोज इंटर हैलोजन है, बी आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, डायटोमिक है ना आपके यही हैलोजन का, तो मुझे दोनों में से वीक बॉन्ड कौन सा होगा, वीक बॉन्ड कौन सा होगा, वीक बॉन्ड आपका ए बी होगा, जो इंटर हैलोजन होगा ये हमेशा आपका वीक बॉन्ड होता है, तभी कभी सॉलिड के फेज में नहीं पाया जाता है, तभी आपका कभी सॉलिड फेज में नहीं पाया जाएगा। और ये सारे के सारे अगर बच्चों इनको मैं वाटर मॉलिक्यूल्स में डालूं, इनको अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स में डालूंगा तो यहाँ से ये बेटा कैसे एक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, हाँ एक्सेप्ट करना है फ्लोरीन को, फ्लोरीन को नहीं, हाँ बिल्कुल मैंने पहले बोल दिया था, ठीक है। अगर मैं इनको पानी में डालूंगा, इनका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा इंटर हैलोजन कंपाउंड का, तो कैसे एक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ओके। यहाँ पे बच्चों ये पूरा का पूरा पॉइंट फिनिश, और अब स्टार्ट होगा आपका फ्लोरीन। अब एक एक एलिमेंट के ऊपर बात करेंगे, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में जो आपके जो प्रेजेंस है, जिसको मैंने बताया था बच्चों, जरा मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा, सी ए एफ टू का नाम, ये ओर है, ओर बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा, मैंने पहले पढ़ाया था, बताओ जरा क्या होगा इसका नाम, इसमें मैंने आपको क्विज भी कराई है, एन ए ए एल एफ सिक्स, इसका नाम क्या होगा, ये भी एक ओर है। नेक्स्ट बच्चों सी ए एफ टू डॉट थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सी ए थ्री
फॉस्फेट होता है पीओ फोर, यहाँ पे आपका पीओ फोर या बाहर आपका ट्वाइस, बिकॉज कैल्सियम इधर है, इसका नाम क्या होगा? बहुत बार नाम आते हैं ये तीनों ही ओर्स बच्चों पॉपुलर हैं आपके, फ्लोरीन के ओर्स हैं ये। फर्स्ट ओर क्या है बेटा, क्या नाम होगा इसका? दिस इज कॉल्ड फ्लोस्फर, पी एल यू ओ आर एस पी ए आर, फ्लोस्फर, इसको हम फ्लोराइड बोलते हैं, एफ एल यू ओ आर आई डी, ठीक है। सेकेंड वाले क्रायोलाइट, बिल्कुल सही आंसर किया है, यस बिल्कुल सही आंसर किया है, दिस इज क्रायोलाइट, नाम बेटा प्लीज ध्यान रखना। लास्ट वाले का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आपका फ्लोरा फ्लोपाइट, पी ए टी आई टी ई, ठीक है, ये इसका आपका नाम होगा। तो इनके जो नेम है बहुत बार सही पहचानने को आते हैं और आपको करना है। अच्छा, दूसरी बात करूं मैं फ्लोराइड की प्रेजेंस, हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट के जो एसेस होते हैं ASHES, उसमें आपका फ्लोराइड की प्रेजेंस होती है। दूसरी बच्चों सॉइल में भी मिलता है, सी वाटर में होता है, बोन्स, ठीक है, जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, बोन्स में भी फ्लोराइड्स की प्रेजेंस होती है। दूसरा आपके जो टीथ हैं, टीथ ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उसके अंदर ही फ्लोराइड्स की प्रेजेंस होती है। हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर बेटा 0.054 समथिंग, बहुत लेस अमाउंट के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। यहां तक सभी क्लियर हो गया है? बताओ बेटा, अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड आइसोलेशन फॉर द, मॉडर्न मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, क्या होगा। तो मॉडर्न मेथड के अंदर बच्चों देखो जनरली क्या होता है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, फ्लोरीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अगर डायमंड या फिर हम लोग प्लेटिनम वगैरह अगर ये सब का यूज करते हैं तो उनके यहाँ रिएक्शन कर जाता है। तो इसके लिए एक मॉडर्न मेथड आया जिसके अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से हाई वोल्टेज बैटरी कनेक्ट करते हैं, यह हाई वोल्टेज बैटरी होती है और यहाँ पे इस तरीके से बी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बी शेप का स्ट्रक्चर जिसमें कोक वगैरह हम यूज करते हैं, इंटरनल पार्ट में कोक यूज करते हैं, और ये आपका प्लेटिनम इरोडियम, ठीक है, प्लेटिनम प्लस इरोडियम का एलॉय होता है, बहुत तगड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये हाई वोल्टेज बैटरी होती है प्लस माइनस, ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरी, जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा तो यहाँ पे बेटा ये पूरा का पूरा जो आउटर मटेरियल है, ये जो पूरा बना है आपका ये ब्लॉक जो बी टाइप का बनाया है मैंने, ठीक है, सिलेंडर्स होते हैं कनेक्टिविटी में, ये प्लेटिनम प्लस इरोडियम के बच्चों एलॉयज होते हैं जो बहुत ही जबरदस्त स्टेबल होते हैं। इनके साथ फ्लोरीन कितना भी रिएक्शन करें तो कभी भी रिएक्टिविटी शो नहीं करता है, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ प्लेटिनम आ जाएगा तो बेटा प्लेटिनम को खत्म कर देगा, अगर उसका इरोडियम आ गया तो भी फिनिश कर देगा, लेकिन प्लेटिनम प्लस इरोडियम का नेचर जो आएगा तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। एलॉयज बनने का मतलब पता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील बेटा स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तभी स्टेनलेस स्टील के अंदर बर्तनों में खाना जो कुक करते हैं वो कभी भी आपका खराब नहीं होता है, उसमें कोई भी आपका लॉसेस नहीं होता है। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? अच्छा, अब इसमें हमारी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हो, तो देखो बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से इसको हम फिल कर देते हैं और यहाँ से इसकी ओपन होती है H2 गैस वगैरह निकलने के लिए, यहाँ से ये आउटलेट होता है, ऊपर से इनलेट है, जहां बच्चों हम लोग फिल क्या करते हैं वो समझ लो, हम लोग बच्चों फिल करते हैं KHF2, ये हमारा कंपाउंड है, इसको फिल करेंगे और ये बेटा जैसे मैं बैटरी को ऑन करूंगा ये डिसोसिएट करेगा, KF के अंदर डिसोसिएट करेगा और HF के अंदर डिसोसिएट करेगा। जो KF है ये बेटा देखो ये तो आयोनाइज नहीं होने वाला HF, ये तो बच्चों पहले से आपका क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू स्टेबल हो जाएगा, KF आपका सॉल्ट है, ये आयोनाइज होगा, तो आयोनाइज होगा तो बच्चों ये आपको यहाँ से क्या मिलेगा, एक तो K प्लस आयन मिलेगा, दूसरा आपको F माइनस आयन मिलेगा। K प्लस आयन के बारे में बात करेंगे तो इट इज ए कैटाइन, तो बच्चों ये डिपोजिट होगा कैथोड के ऊपर और ये डिपोजिट होगा बच्चों एनोड के ऊपर, ठीक है, एनायन कहाँ पे डिपोजिट, एनोड के ऊपर। तो बेटा जो F माइनस है, F माइनस कन्वर्ट किस में होगा, मैं उसको क्लियर कर दूं, तो F माइनस आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके F2 के अंदर, ठीक है, यस ऑक्सीडाइज होगा, तो एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन, मतलब F माइनस कन्वर्ट होगा आपके F2 के अंदर, एक तो फर्स्ट एटम बना लो प्लस इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई देगा, फिर वही दो फ्लोरीन यहाँ से बन जाएंगे एटम, ये कंबाइन होकर बच्चों बना लेगा F2, ठीक है। कैथोड पे आते हैं, कैथोड के साथ बच्चों पोटेशियम है तो K प्लस बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा और पोटेशियम फर्दर रिएक्ट विद HF, तो यहाँ से बना लेगा KF प्लस हाइड्रोजन, और दिस हाइड्रोजन जो बेटा है यही कन्वर्ट होगी H2 गैस के अंदर, तो H2 गैस बच्चों इवॉल्व होगी आपकी एनोड की, आपकी कैथोड की साइड, और जो बाकी जो आपको गैस दिख रही है यहाँ से जो F2 दिख रहा है वो आपका इवॉल्व हुआ कहाँ पे। अब एक ये भी बात है कि एनोड किसको बनाऊं, कैथोड किसको बनाऊं, तो आपकी मर्जी, आप किसी को भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिधर पॉजिटिव प्लेट है, जिधर पॉजिटिव, बिकॉज ये जो मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की है, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है, बाहर से मैं सोर्स यूज कर रहा हूँ, बाहर से मैं एनर्जी यूज कर रहा हूँ सॉल्ट्स को ब्रेक करने के लिए, तो जिधर पॉजिटिव प्लेट है उधर बच्चों की आपको बनाना होगा कैथोड, प्लीज ध्यान देना,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहा हूं मैं, जिधर नेगेटिव प्लेट है उधर बनाना है आपको एनोड। तो एनोड पे बच्चों क्या रिलीज होगा, एनोड पे रिलीज होगा आपकी F2, ठीक है, और कैथोड पे रिलीज होगा बेटा आपका H2। तो यहां से जो मैंने बताया था आपका आउटलेट, यहां से H2 गैस बाहर निकलेगी और यहां से आपका F2 लगातार बाहर निकलता जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को क्लियर हो गया होगा। कल बच्चों बात करेंगे हम लोग इसकी फ्लोरीन की कुछ अदर प्रॉपर्टीज पे, और कल आपका क्लोरीन भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ अब एलिमेंट्स बचे हैं। फ्लोरीन मैंने बता दिया फॉर्मेशन कैसे होगा, अब बचा है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस वो कैसे फॉर्म हो गए, प्रॉपर्टीज क्या, बस इतनी टर्म है, ज्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन के स्पेसिफिक मेथड्स है उसको बताना बाकी है, ठीक है। तो आज लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और कल जब मिलेंगे तो इसको फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू बच्चों।